कोई चिंगारी जब इंसानों के भीतर सुलगती है तब वो जन क्रांति का रूप ले लेती है। बंगाल के आरजी कार रेप एंड मर्डर कांड पर आक्रोश ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। क्या डॉक्टर, क्या वकील, क्या खिलाड़ी और क्या आम नागरिक, बंगाल से लेकर देश के कोने कोने तक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इस बात की परवाह किए बिना लोग सड़कों पर उतर रहे हैं कि कहीं इसमें खुद उनके हाथ न जल जाए। 2012 के निर्भया कांड से भी ज्यादा दर्दनाक ये मामला राष्ट्र की चेतना को झकझोर चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुओ मोटो मामले पर सुनवाई का फैसला किया है। मंगलवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 70 से ज्यादा पद्म अवार्डी डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो खुद दोषियों को सजा दिलाएं और हेल्थ केयर से जुड़े लोगों की सुरक्षा का नया कानून बनाएं। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनका बयान है कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। बंगाल की मौजूदा सरकार महिलाओं के लिए नाकाम है। आरजी कर हत्याकांड पर जनता का गुस्सा ऐसा है कि खुद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय अपनी सरकार की पुलिस पर उंगलियां उठा रहे हैं। इस मामले में कोलकाता पुलिस और बंगाल सरकार पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, इस पर मैं आगे बात करूंगी। लेकिन मामले को लेकर बीजेपी सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा रही है और लगातार हर दिन इस मुद्दे पर उठा रही है लोगों की आवाज। बीजेपी कह रही है कि ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस ये नाम करार कर दिया है। बीजेपी ने मामले में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के स्टैंड पर भी सवाल उठाया है। बीजेपी ने आरजी का मतलब बताया है कि राजनीतिक गिद्ध। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या बंगाल में डॉक्टर बेटी रेप कांड पर जन आंदोलन के बाद ममता सरकार जागेगी। बंगाल रेप कांड पर जनता आर पार के मूड में है, क्या ममता सुन रही है? सवाल पब्लिक का आज यही है। कलकत्ता हाई कोर्ट की आदेश से आरजी कार रेप एंड मर्डर कांड की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन रेप एंड मर्डर के पहले सुइसाइड बताने आधी रात को इंसाफ मांग रहे प्रदर्शनकारियों पर हमला नहीं रोक पाने और सबूतों को नष्ट कराने की कोशिश पर आंख बूंदने के आरोपों के बीच कोलकाता पुलिस के नोटिस भी सुर्खियों में आ चुके हैं। जिन लोगों को कोलकाता पुलिस ने आरजी कर कांड पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का नोटिस भेजा है उनमें तृणमूल कांग्रेस सांसद सुखेंदु शेखर रॉय भी शामिल है। सुखेंदु शेखर रॉय ने अरेस्ट से बचने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन भी मांगी है। जाने माने डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को भी कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजकर रडार पर लिया है। इस बीच जहां खुद ममता बनर्जी इस मामले पर वाम राम को घसीट चुकी हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के उदयन गुहा जैसे नेता इस मामले में उठी उंगलियों को तोड़ने की धमकी भी दे रहे हैं। और टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती तो प्रदर्शनकारी महिला डॉक्टरों के खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी पर उतर आए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনায় দোষী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ চাই আমার বক্তব্য। এই ঘটনায় যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিকে আন্দোলন করছেন, ভাষায় সকল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন, যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে সেই আঙ্গুলগুলোকে
কে চিহ্নিত করে সেই আঙ্গুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। জনরোষ হবে যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায় তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায় তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? পুলিশ बंगाल के मंत्री कह रहे हैं कि जो उंगली ममता बनर्जी की तरफ उठेगी उन उंगलियों को तोड़ दिया जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट के लिए लोग निकल रहे हैं, आंदोलन के लिए निकल रही हैं महिलाएं, ये असल में अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही हैं। शर्मनाक रवैया रहा है तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स का। आरजी कार कांड से पहले भी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली और नादिया जैसे महिला अपराधी के सनसनीखेज मामले हुए हैं। इन मामलों में भी ममता बनर्जी का रवैया सवालों के घेरे में आया था। संदेश खाली में आरोपी शेख शाहजहां का उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बचाव तक किया था, और नादिया रेप कांड में विक्टिम को कहा कि ये एक लव अफेयर में है, प्रेम प्रसंग का सवाल उठाकर सरकार ने अपना पाला झाड़ने की कोशिश भी की थी, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया था। और इस आरजी कर कांड में ममता बनर्जी ने क्या क्या बयान दिए हैं वो आप খুদ শুন লিজে। এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার লেনা দেনা কিছু নেই, আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। সিপিএম বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন, ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করতে পারি। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমাকে চমকানি দেখাবেন না সিপিএম বিজেপি, আমাকে ধমকানি দেখাবেন না সিপিএম বিজেপি। বিজেপি কি ভাবছেন বাংলাদেশে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে, এত ছাত্র মারা গেছে, আমরা বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতে পারি না? আমি বলিও না তাই। इस सब के बीच आरजी कार कांड की जांच कर रही सीबीआई ने अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष से आज फिर पूछताछ की है। चार दिन से ये पूछताछ जारी है। उधर पकड़े गए आरोपी संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने के बाद सीबीआई ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की ओर भी कदम बढ़ा दिया है, और कोर्ट से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि इस मामले के सबूत इशारा कर रहे हैं कि आरोपी एक से ज्यादा हो सकते हैं। विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 बाहरी चोट, 9 अंदरूनी चोट और दम घुटने से मौत की बात कही गई है। केस में बर्बरता के जितने सबूत सामने आ रहे हैं, बीजेपी का राजनीतिक हमला ना सिर्फ ममता पर बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी बढ़ता चला जा रहा है। सुनिए ये बयान। पश्चिम बंगाल की पुलिस आपके इशारे पर, आपके आदेश पर, जो मृतक पीड़िता का परिवार था उससे झूठ क्यों बोल रही थी? आप ममता द डिस्ट्रॉयर निर्ममता बनर्जी की बेहूदगी और बेशर्मी देखिए। एक मार्च निकालती है ये देखिए, एक तस्वीर है, पूरे देश ने देखी और शर्मसार हुआ देश। ये मार्च किसके खिलाफ निकाल रही हैं? और मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले राहुल गांधी, आरजी, आरजी डज नॉट स्टैंड फॉर राहुल गांधी एनीमोर, इट स्टैंड फॉर राजनीतिक गिद्ध अखिलेश यादव। ये डीएनए वाले हैं, ये बताते हैं कि डीएनए टेस्ट करो, ये विक्टिम शेमिंग करते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, सवाल पब्लिक का नंबर एक, आरजी कर कांड पर देश का आक्रोश थम नहीं रहा, खुद तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह है, क्या ममता सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है? सवाल नंबर दो, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं, क्या गवर्नर की रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है?
और सवाल नंबर तीन, सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो सुनवाई पर प्रधानमंत्री मोदी को पद्मा अवार्ड डॉक्टरों की चिट्ठी के बाद बंगाल पर फाइनल कॉल की तैयारी हो रही है, यही है सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे